में आपका स्वागत है। आइए आज हम ये घी निकालते हैं, और घी निकालने के बाद में ऐसी जो बचता है इसको करौनी भी कहते हैं और खुरचन कहते हैं, तो इसको प्रायः हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन इससे आज हम मिठाई बनाएंगे क्योंकि ये घी और दूध से बना रहता है, ये तो बढ़िया स्वादिष्ट रहता है, पौष्टिक रहता है। इसके लिए ये थोड़ा सा ले लिए, आज मैं घी बनाई हूँ तो ये उसका बचा है, इसको ले लिए हैं। और इसमें इतना एक कटोरी चीनी डालेंगे, ये दूध ले लिए हैं, दूध को पका के ले लिए हैं, पका हुआ दूध था ये। और ये 2 चम्मच ये मिल्क मेड है, 2 चम्मच है ये मिल्क मेड लिए हैं। फिर गार्निशिंग के लिए थोड़ा से ड्राई फ्रूट है, काजू, पिस्ता और बादाम है, और थोड़ा सा ये दूध पाउडर है, ये अमूल अमूल्य का है ये। और आइए सबसे पहले बनाते हैं। ये देखिए कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें इसको डाल देते हैं खुरचन को, ये इसमें घी भी रहता है। और इसके बाद में फिर ये दूध रखे हैं तो 1 कटोरी दूध डालते हैं, और हमको दूध को पकाना है इसको। इसके बाद ये दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये दूध पाउडर है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। ये दूध पाउडर है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, छोटा पैकेट मिलता है, बड़ा पैकेट भी मिल जाता है, कई ब्रांड के मिलता है, मैं अमूल वाला ली हूँ, ये अच्छा रहता है। इस तरह से इसको, इसका जो लम्स पड़ते हैं गुठलियाँ, इसको सब ठीक कर लेना है। इसे हमको पकाएं अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए दूध को पकने के बाद ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें चीनी डाल देते हैं, इतना आधा कटोरी से थोड़े से ज़्यादा है ये चीनी, इसको डाल देते हैं। और इसके बाद ये 2 चम्मच मिल्क मेड रखे हैं, इसको भी डाल देते हैं। यदि इस तरह से पूरा दूध को इसको औटा लिए हैं और औटा औटा दिए हैं इसको, अब इसको जमाने के लिए रख देते हैं। अब ये जमाने वाला कंसिस्टेंसी हो गया है, इसमें थोड़े से इलायची पाउडर डाल दे रहे हैं, इलायची पाउडर बढ़िया सुगंध भी देता है और स्वाद भी बढ़ाता है। अब इसको जमाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा केक टिन है, छोटा सा केक टिन है, उसमें डाल दे रहे हैं। इसमें हम लोग थोड़ा से घी से इसको ग्रीस कर लिए हैं इसको, इसके बाद इसको थोड़ा देर करके, अब इसको हम जमाने के लिए रख दिए हैं, इसमें बराबर कर लिए हैं। और ये ठंडा होने के बाद इसको कम से कम 2-3 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से मिठाई जम के तैयार हो गया है, इसको अब काट के देख लेते हैं, अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा आप काट सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी, इस तरह से काट लेती हूँ। ये जम गया है, थोड़ा देर और रखने पर और अच्छी तरह से जम जाएगा, इसको फ्रिज में रख देने पर और ये अच्छा से जमेगा। मैं इस तरह से बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई आप लोग भी बनाइए, और ये घी के उससे बना था और ये खाने में बढ़िया स्वादिष्ट रहता है, थोड़ा से मिल्क केक का इसमें स्वाद आता है। आप लोग भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत आसानी से बन जाता है। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से बनाइए, ये बहुत बढ़िया मुलायम बनता है और जमाने के बाद